संग्राम। सहनाई के गूंज में स्वागत, सब आगत के स्वागत स्वागत, हर दुनिया भर के सुर प्रेमिन के विवाह मंडप में स्वागत स्वागत। हम जोरदार ताली बजा के चाहते हैं कि सब कोई स्वागत करे आप लोगन के सुर संग्राम के विवाह मंडप में। आप लोगन के मनोज तिवारी बहुत स्वागत कर रहा है। अरे जज साहब लोग कहाँ चल गए नहीं जा, ये तो वही बात हो गई से द्वार पूजा में देर हो खेला गेल, तो हमनी के तो ये गावल जाए, ये कहल जाए, अरे हाथिया से घोड़ावा गोयड़ा वाली हले घेर रहे आए आवना ये कल्पना जी होत बा बड़ी दे रहे आए आवना ये कल्पना जी होत बा बड़ी दे रहे आए आवना ये कल्पना जी। सुहाग से नूर से मंगिया भरे दुल्हा, सुहाग से नूर से धिया आज से भैली मेहमान, धिया आज से भैली मेहमान, हे माई हो खेला देखा सिन आज सिंदूरदान भी हुई, आज धिया मेहमान भी हो जी हैं, और आप थोड़ा सा लेट आईनी लेकिन बड़ा गमगमात आईनी। बाकी हम तो आ गए नी, मालनी जी कहाँ बड़े? अभी रहुआ बताई। हम कैसे बताएं, हमरा का तो मालूम नहीं है, रहुआ के भौजी हमें। अब आप ही बुलाई उनका के। मालनी जी कहे के प्यारी विदेश, अरे रखिया बाबूर मोहे कहे को प्यारी विदेश, अरे लखिया बाबूर मोरे कहे को प्यारी आज आप लोगों के स्वर में हमेशा विवाह के कुछ न कुछ बात नजर आ रहल बटे, और निश्चित रूप से आज हमनी के कार्यक्रम में विवाह महत्वपूर्ण बटे। आज जे भी आई विवाह के बात करी कहें कि हमन के कार्यक्रम ही आज विवाह के गीतन के, विवाह से पहले विवाह के बाद ओकरे आसपास के गीतन के समर्पित बटे, और हम प्रार्थना करें अपने जज लोगन से कि चल के अपन कुर्सी पर विराजे जा। आज शनिवार हवे, और आज शनिवार के हमनी के जब भी प्रतिभागी लोग जो टॉप फाइव लोग बाटे वो जब यहाँ बैठे ला तो ओकरे अंदर एक ही उद्देश्य होला कि आज के विजय पत्र प्राप्त करी और आगे के रास्ता में केकरे अंक के केकरे स्वर के मजबूती मिली कि अपने प्रदेश के दावेदारी करी। आज वह संग्राम में हमनी के विवाह के एगो थीम बनैले बनी जा कि आज जितना लोग गाना गाई
वो विवाह से संबंधित गाई। हमनी के जज लोग भी आके बैठ गिल बनी जा। और अब अगर जरूरत बा तो शनिवार के ओह क्षण के जहाँ हमनी के बीच में अतिथि जज लोग आवे ली जा। हम मनोज तिवारी अब जा रहल बनी बुलावे अपने तीसरा कुर्सी के अधिकारी जज भोजपुरी फिल्मन के एगो बहुत बड़ प्रोड्यूसर बनी जिनका फिल्म के राष्ट्रीय अवार्ड तक मिल चुकल बाटे। तो जोरदार ताली से स्वागत करी जा आदरणीय दीपा नारायण जी के। आपके स्वागत बटे हमनी के राजा बिस्किट सुर संग्राम में और आप हमनी के जज बन के आयल बनी। हमनी को बहुत खुश बनी जा। रउआ सुर संग्राम के बारे में का जानले बनी और आज कैसा लगा तती हमनी के जानल चाहल जी। सबसे पहले तो आपन सब के दीपा नारायण झा की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और सीनियर सब के गोर लागे छे। वाह वाह वाह, एक मैथिली भाषा कनी मनी बाजे छे। अच्छा, दीपा नारायण जी के जोरदार ताली से स्वागत करे के अगर कई गो प्रश्न हमारे पास दिमाग में उपजी तो हम यहाँ से पूछत रहो और आपके अपने कुर्सी पर बैठा के फिर आगे। और आज हमनी के चौथी न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठे आ रहल बानी जिनका के हमी नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका के माने ले ईश्वर अंश सहपाठी। आज हमनी के न्यायाधीश के कुर्सी पे बैठी हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आज रुआ आशीर्वाद देवे खातिर आ गेल बानी हमनी के कार्यक्रम में। बहुत जियत रह माता रानी तोके फूले फले तहर सारो मनोकामना पूरा रहे। औरी बताई रौरे कैसन बाटी। हमनी के जानल चाहते हैं कि रुआ इतना भर जब भोर बढ़िया भोजपुरी बोलत नहीं। आप पैदा तो भैली बम्बई में थाना में लेकिन इतना अच्छा भोजपुरी कैसे बोले लगनी। माई दादा हमार गोरखपुर बासगांव भीता नाम के एक तिवारी लोगन के गांव में से हम हैं। पर केहू कहीं पे भी रह जाए और अगर जे इंसान के ओकर मातृभाषा नहीं आवे तो वो बड़ी खंडनीय बात हवे। और हमके गर्व हवे कि हमार माई हमके भोजपुरी सिखौली और आज वही के खातिर हम रौरा के सामने खड़ा होके भोजपुरी बोलत बाटी न। मनोज जी, मैं पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ लक्ष्मी जी आपका। मैं इनको पहले से जानती हूँ और मुझे हम दोनों में बहन के रिश्ता है और मैं चाहूँगी कि दीदी हैं हम दोनों। अच्छा, दीनी है, दीदी हैं। वहाँ मालिनी जी भी बैठल बटी वो भी हमारे दीदी। अरे वाह, झूठे पर। और दीपा नारायण जी बैठल बटी। अरे वो भी हमारे बहन है तो कि जीजा बनावत बटी तहार हमारे घर का दीदी कहाँ बाटी पहले बताई। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम बहुत गदगद बानी दिल से। और देखी जैसे कल्पना जी आपके मिले खातिर यहाँ चले ली, हम चाहते नहीं आपके अपना कुर्सी पर बैठाई खुद चल के आए। अरे दादा जीजा। कार्यक्रमों से तो एक से एक लड़का और लड़की पार्टिसिपेंट योद्धा बन के आयल बड़ा सुर के जिनकर कुछ न कुछ बात हमनी के याद बटे। लेकिन एगो ऐसन लड़की आई रहे जोना के मन में एगो टीस रहे, एगो वेदना रहे। जब जब विवाह के बात होके तो ओकरे आँख से आंसू आवे लागत रहे। जब हमनी के विवाह से संबंधित एगो कार्यक्रम के संकल्पना कैली जा तो हमनी के वो लड़की के याद आ गए जवन इंटरकास्ट मैरिज के लिए बिया। वो लड़की जवन अपने 100-200 रिश्तेदारन के अपने शादी में न अइला के और सामाजिक रूप से शादी के मान्यता न देहला के टीस हमेशा ओकरे अंदर रहे। ओकर आंसू बहे लागे अपने पति के बहुत प्यार करेले, पति ओकरो के बहुत प्यार करेले, लेकिन समाज के वो लोग ओकरे फेरा के समय उपस्थित नहीं रहल, ओकर शादी विवाह नहीं देखल। तो हमनी के सोचनी जा कि काहे न वो लड़की के वो प्रश्न पे विचार करे के, वो दर्द पे विचार करे के जवन कभी हमनी के देखले रहनी जा
आप भी एक बार वो लड़की के वो दर्द देख ली ही, तब हम बताए कि हम आगे का कल चाहता नहीं। प्यार करने वाले जितने भी हमारे उम्र के जितने भी नौजवान बंधु हैं, युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ये स्टेज में आज गा रही हैं, यहां तक पहुंची हैं। जब मैंने शादी किया था इनसे तो मैम हमारा जात एक नहीं है। आज तक मैं अपने मौसी के घर छोड़कर अपने किसी भी रिलेटिव के यहाँ इनको नहीं ले जा पाया, क्योंकि मैंने इंटर कास्ट शादी की थी। अच्छा, और आज तक रीमा को वो सम्मान नहीं दिला पाया जो एक औरत एक बहू को मिलना चाहिए। फिर मैंने कसम खाई थी कि इसके संगीत के माध्यम से मैं इसको एक ऐसा स्टेज में ले जाऊंगा जहां दुनिया हमें देखेगी। और हमरा के तो ना ससुराल से विदा हो के नसीब बा, ना ससुराल में जाए के नसीब हुई। एगो पति जो अपने पत्नी के सम्मान नहीं दिला पौलस समाज के सामने, एगो लड़की के अंदर टीस रहल कि न तो ससुराल के सामने शादी भइल, न विदाई भइल, न आगमन भइल, तो हमनी के सोचली जा अगर हमनी के कार्यक्रम विवाह गीतन के समर्पित करत नहीं जा तो एक बार वो रीमा से कहल जाओ कि हमनी के तोह लोग के शादी फिर से करावल जाई। और वह शादी के 10-20 गो हित मित्र रिश्तेदार ही नहीं, सैकड़ों करोड़ों हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के लोग तो हम लोग के शादी देखी। और आज हमनी के ये बात के फक्र बा कि रीमा और उनकर पति ये बात खातिर तैयार हो गए बड़े आज उनकर शादी करा के हमनी के दुनिया के देखावल जाए। जहां एगो 7 महीना के बच्ची के फिर से शादी हुई और खाली वो हित मित्र रिश्तेदार नहीं, उन्हों के शर्म लागे के चाही जो उन्हीं के शादी में नहीं आईले। आज सारी दुनिया उन्हीं के शादी देखी और उन्हीं के शादी में हमार 5 टॉप सुर संग्राम के योद्धा लोग अपन महासंग्राम रची हैं। यह लड़ाई खातिर हम बुला रहल बानी आपके सामने उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के अनामिका सिंह के और उनके गीतन के संगे ए रीमा और उनके पति के शादी के भी कार्यक्रम शुरुआत हो जाए। चिड़ैया लगन लिए जाए रे, चिड़ैया लगन लिए जाए।
स्वागत करेंगे अनामिका के लगन के गीत लगनी चिड़ैया लगन लिए जाए। मालिनी जी बताएं आज अनामिका कहाँ खड़ा बड़ी? सबसे पहले तो अनामिका मंच पे जहाँ खड़ी है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई नवेली बनो खुद खड़ी है। बहुत अच्छा चुनाव और बहुत चटक शादी के माहौल का गाना था। एक आपकी आवाज़ में बहुत अच्छी एक नज़ाकत शोखी एक खिलने वाली बात है। 30 नंबर और मैं आपको अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करूँगी। दादा जो भी था मुझे सीधा सीधा सॉन्ग लगा क्योंकि ये टॉप 5 का कंपटीशन है। तो सब्जेक्ट मैटर में रहते हुए भी आपको ऐसा हर गाना ये समझ के गाना है कि ये मेरा आखिरी गीत है। बाकी मुझे ठीक ही लगा, एक दो जगह सुर गया, खासकर एंडिंग नोट बेसुरा था 32। 32 नंबर बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहली बात तो दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। हल्का शायद सुर एक जगह, बाकी शी संग वेरी वेल, वेरी नाइस। जैसे सब लोग कहत बा सुर के बारे में तो हम नहीं कहब, पर इनकी आवाज़ जैसा इनका चेहरा है कोमल, वैसी कोमल आवाज़ है इनकी। एकदम हंस हंस के बहिनी खिलखिला के फूल के जैसन जा और वापस आंधी के जैसन आवा। जोरदार ताली से स्वागत करिया। और आज हम अपने अनामिका बच्ची के इस समझावल चाहतनी कि आज के कार्यक्रम में दोहरा चैलेंज बाटे पार्टिसिपेंट लोगन के। आलोक जी सुन ले ध्यान से, प्रियंका सुन ले ध्यान से, मोहन सुन ले, आलोक पांडे सुन ले। आज आप लोगन के रीमा के शादी में भी अपने स्वर के स्वरांजलि देवे के बा और जज साहब लोगन के भी खुश करे के बा। हम जानत तनी ई बहुत बड़ा घमासान बाटे, आप थोड़ा सा आराम कर लीं। बाहर बहुत भारी भीड़ बाटे, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहल बा शादी में भाग लेवे खातिर। कोल्ड ड्रिंक चलत अटे, मिठाई चलत अटे, मार घरे घर सब। ए बजा लोग, आप लोग चिंता मत करो, जा लोग के मिली कार्यक्रम लेके जला के नाम बट सुर संग्राम। अपन खोरिया बाहर हो कवन बाबा, अपन खोरिया बाहर हो कवन बाबा, आई गईले दूल्हा दमा दुअरिया पर, आई गईले दूल्हा दमा दुअरिया। हर तरफ भोजपुरी के रंग में विवाह के गीतन के धूम बाटे। हमू आज स्वागत करतनी आपके, तो स्वागत यही तरीका से करब जैसे द्वार पूजा में सब कोई स्वागत करत बाटे। लगन हो गिल बाटे, लगन उठा देले बाड़ी अनामिका और अब पारी बाटे माड़ो सजावे की। वैसे माड़ो तो बाटे लेकिन माड़ो सजावे खातिर गीतमय माड़ो सजावल जाई और गीतमय माड़ो सजावे खातिर हम बुला रहल बनी अपने गाजीपुर के सुर के योद्धा मोहन राठौर के। जोरदार ताली से स्वागत करी जा। बोल भाई ध्यान के हर बत्ती, रीमा के विवाह पर या जज साहब लोगन के अंक पर? दोनों जना पे ध्यान बा, एहू के लाज रखे के बा, ओहू के लाज रखे के बा, एहू के लाज रखे के बा और ओहू के लाज रखे के बा। लेकिन एकरा से पहले कि माड़ो के गीत सुनावा, एक बार अपने घर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देला कि तोरे घर पर भी कोई कुछ कह रहल बटी। देरी करीला अपन परिवार के जियाला, हमार लड़का गैल बा बम्बई, हम सोचत है कि जीत जाए हमार लड़का तो हमार लड़की के शादी ब्याह होगा। तार बहनो बालिन बहुत तह के ध्यान कर लेन, छोटी बहन है कि हमार भैया आगे जीत के यहाँ तो हमार शादी ब्याह हो जाए। हमारी इच्छा बा भैया तू खूब आगे बढ़ जा भैया तू। अरे का हम देही बड़ी दुखिया, अरे का हम देही बड़ी दुखिया, पर बही नई बात पठावत बिया।
किरण में बन में तू सजल हो रहा, इहे हो दुआऊ पठावत बिया। आज जब रीमा के शादी के गीत गई बा, मानो सजावे के गीत गई है, तो सोच के गई है बचवा कि ओकरा में एगो बहिन भी शामिल बिया, और इस सोच के गई बा तो जज साहब लोगन के भी प्रभावित करे में पीछे नहीं रहा। और आज निश्चित रूप से वो माड़ो सज रहल बा जोने में रीमा पियर साड़ी पहन के आज बैठल बाड़ी, और ये माड़ो धन्य बाटे हमने के कार्यक्रम धन्य बाटे। और अब हम अपने मोहन राठौर के, हम मोहन तोहरा के ज़्यादा छेड़ल नहीं चाहत रही ही, जब पिछला हम देख ली ही एवी न जो तोहरे गांव से दीदी तोहार माई तोहार बाबू जी, एक तो तोहर बाबूजी के स्वर एकदम तोहरा से मिलत बाटे,
और ओहनी के आँख से बार बार इतना जो हमके लगा था पहली बार ओहनी के घर में खुशी देखले बड़ी सन का। जी भैया, जन्मों में ना सोचले रहनी कि इतना बड़ मंच मिली, हम बम्बई आई, आप लोग के दर्शन पाए, कबो ना सोचले रहनी। बस वही टूटा फूटा झोपड़ी में बस सोच लेंगे गुजारा होते रही तरह माई की कृपा से बस। लेकिन आज भाग्य बा आप सबके आशीर्वाद से आज हम जवानी। बहनिया तरस छोटी है? हाँ, एक साल छोट भी है, एक डेढ़ साल। संगे तब पढ़ले उड़ले हुई सर जगह ना? ना पढ़ले नहीं के कोई, दूगो छोट छोट भाई बहन सब पढ़े लन सर। अच्छा। हाँ, एगो तो एकदम छोट बा। एकरा के नहीं पढ़ोल लिखोल? ना, हम ही खुद इंटर फाइनल करके छोड़ देनी। मोहन के घर के बहुत आशा लगल बा कि जब ये कार्यक्रम के जीत ली है, कहें कि ये कार्यक्रम के जो जीती ओकरा के 25 लाख रुपया के इनाम बा, एक कार्यक्रम के जो उप विजेता होई ओकरा के 11 लाख रुपया के इनाम बा, एक कार्यक्रम के जो तीसरा नंबर पर के 5 लाख रुपया के इनाम बा। तो सुर के तो संग्राम बटल ही बाटे, सुर संग्राम के संगे संगे वो आशा भी बनल बाटे। इससे पहले कि हम मालिनी जी और कल्पना जी के पास चलें, हम चाहब कि लक्ष्मी जी इनके गाना के बारे में और इनके परिस्थिति के बारे में कुछ इनके बारे में कुछ कहीं आप। देखा बाबू, जिंदगी संघर्ष है। अब हमरे के यहाँ सब कुछ रहल, हम पढ़ ली लिख ली, तबो भी हमारे संघर्ष अलग रहल। तो संघर्ष से कभी डेराए के ना ही चाहिए, छाती एकदम तनेन के एकदम सीधा देख के जमाने से लड़के, कहें कि सब कुछ हम हासिल कर सके नहीं जिंदगी में। एक मनुष्य, एक मानव, देखो हम मर्द हमें, औरत हमें, हम है किन्नर, हम वो और ऊपर से ब्राह्मण जात का, अपने यूपी बिहार के तरफ और कितना बड़ा कलंक टीका हो सकेला ही, पर वो कलंक के टीका के हम धो के ओके विजय का तिलक का टीका हम अपने माई दादा के सर पे लगाऊंगी। सरस्वती तोरे कलेजे में बाटी, जबान पे बाटी, कंठ में बैठल बाटी, माता रानी करे, त्रिपुर सुंदरी करे, ये हमारा आशीर्वाद हवे तो के कि जिंदगी ई मंच के बाद हमेशा सुनहरी रही, ये हमारा आशीर्वाद हवे और आशा हवे तोरे खाते। आप बहुत अच्छा गाए, आपके मतलब जो फोक आपके अंग अंग में बसे हुए हैं, झलक रही थी आप जब गा रहे थे, मेरे आंखों से आंसू निकले। आई विश यू गुड लक, यू शुड विन द कॉम्पिटिशन। अब आपकी परिस्थिति का जो मैंने देखा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो भोजपुरी प्रोड्यूसर हूँ, आपको अगली भोजपुरी फिल्म में गाना गवा सकती हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिनी जी, सब कुछ बहुत सुखद और बहुत सुंदर संयोग है। मैं तो यही कहूँगी कि आज जो आशीर्वाद तुमको प्राप्त हुए हैं दोनों से, और विशेष रूप से लक्ष्मी जी से, क्योंकि ये आशीर्वाद मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं शब्दों को सुन के कह सकती हूँ हृदय से निकला आशीर्वाद है। और इतना बड़ा ब्रेक, अभी से और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात मोहन, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आप अपने गाने से उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर ये गाना रचा गया होगा। रीमा के लिए आयोजन हो रहा है और संयोग से रीमा बिहार की रहने वाली है। आप जानकी के ब्याह में माड़ो रचाने की बात कर रहे थे, मैं यही प्रार्थना करूंगी उस अवध से जहां की धरती की मैं बेटी हूं, कि रघुनंदन भगवान श्री राम जिन्होंने सीता का वरण किया था, उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। और आप अपने पिता के लिए इतने बड़े गौरव का कारण बने कि दिलदार नगर और गाजीपुर नहीं, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, सारे उत्तर प्रदेश का आप गौरव का कारण बने। आज इनका के कितना नंबर? 34। आपने जो गीत सुनाए आज, ये गीत मुझे भी गाने का सौभाग्य मिला। ऐसे तो ये पारंपरिक गीत है, लेकिन मैं भी गाई हूँ इस गीत को। मैं खुद कह सकती हूँ आपने मेरे से मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे गाए। मैं हैरान थी जब आपने माड़वा का अंग लिया, मैंने इस तरह से नहीं लिया, और मुझे लगा कि हाँ इस तरह से भी मैं कह सकती थी, गा सकती थी बात को। आपने मुझसे बहुत ज़्यादा अधिक अच्छा गाए। और नंबर है 36।
34 नंबर मालिनी जी के, 36 नंबर कल्पना जी के और लक्ष्मी जी के और दीपा जी के नंबर हमने के बाद में पता चली। मोहन अपन हर वो याद की अपनी बहन के बात के, अपने बाबूजी के बात के, अपने माई के बात के, अपने जज लोगन के बात के लेके बैठ जा और तोहार विजय पत्र तोरे पास सुरक्षित रहे हम ये शुभकामना करब। बाकी तो निर्भर करत अटे तोरे साथी लोगन पर के छीन ले जाए। जोरदार ताले स्वागत करे के जाकर जो बैठ जा। मोहन राठौर जी के बाद अब बारी बाटे उत्तर प्रदेश के ही तीसरा योद्धा आलोक पांडे के। जोरदार ताली से स्वागत करें हमने के मंच पे। कहवा से लैला हो बाबा हर दी के टूसवा, कहवा से लैला हो बाबा हर दी के टूसवा, कहवा से लैला हो बाबा हर दी के टूसवा। काशी हम गई नी बनारस हम गई नी, काशी हम गई नी हो, काशी हम गई नी बनारस हम गई नी, उहवे से लैनी हो, उहवे से लैनी हो बेटी इहो हर दिक टूसवा, उहवे से लैनी हो बेटी इहो हर दिक टूसवा। कहवा से लैला हो भैया हर दी के टूसवा, कहवा से लैला हो भैया हर दी के टूसवा। आरा हम गईनी छपरा हम गईनी, आरा हम गईनी हो, आरा हम गईनी छपरा हम गईनी, ओहावे से हो बहनी इहो हर दिक टूसवा, उहवे से लैनी हो बहनी इहो हर दिक टूसवा, कहवा से लैला हो बाबा हर दिक टूसवा, कहवा से लैला हो बाबा हर दिक टूसवा। जोरदार ताली बजाई जा आलोक जी के हरदी के गीत और हरदी लगा रहल बड़ी जा अनामिका प्रियंका रीमा के सहेली लोग। कल जे प्रतिद्वंदी रहे आज उस संगी बाटे और आलोक जी खातिर हम सीधे चल रहल बनी दीपा जी के पास। इतनी मीठी आवाज है आपकी, बाप रे बहुत सुंदर गाया। लक्ष्मी जी, दीपा जी जब कहत रहनी हम मार्क्स देत रहनी, हम सोचली का देई, हरदी का ठुसवा सही में हमरे कलेजा में हरदी रंग गई, इतना मीठ सही में, इतना जैसे सुनर तार हसी बाबू ऐसा सुनर तो गावे ल, बड़ा नीक लगल हमके। बहुत बहुत जोरदार ताली से स्वागत करेगा ये कमेंट्स के। कमेंट्स भी मिल रहा और कमेंट्स देवे वाला के अंदाज भी देखी और अब कल्पना जी के बारी बाकी आलोक के का नंबर दिए और कौने बात पे दिए। गीत में जो रिदम चेंज था वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, लेकिन लय का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिखा आलोक आज। आवाज़ तो दिन ब दिन आपका खिलते जा रहा है, बहुत बढ़िया। 35 नंबर आलोक, आप बहुत सही मौके पर अपने पूरे रंग में आ गए हैं। जो अभी कल्पना ने कहा कि दूसरे अंतरे में आपका लय का टेम्पो गया, एकदम से लय के संग आप उस मिजाज में नहीं आ पाए, लेकिन तब भी बहुत मन से आपने गाया। आपके लिए मेरी ओर से 35 और 35। आलोक बाबू चल के अपनी कुर्सी पर विराजी और इंतजार करी वाली फाइनल रिजल्ट की। आलोक पांडे जी के बाद अब हम आवाज दे रहल बानी बिहार के लखीसराय के आलोक कुमार जी के और जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमने के मंच पे उनके बुलावल जाए।
चूल्हे राजा के सर पे बा सेहरा सेहरा में छुपल बाटे आपके बहुत मुबारक हो। और आपके संगे नाच रहल बानी लक्ष्मी जी। अब का चाही ए बचवा जकरा संगे लक्ष्मी नाचे ओकर भाग्य तो बस विधने बाँचे। आज हमनी के सीधे आपे से पहले पूछल जाए कि आपके इनकर परफॉर्मेंस कैसा लागल है। वहाँ से उठ के यहाँ तक आ गए नहीं नाचे तौरी का चाही रो रखे। असल में आप रे बहुत मुस्कियानी जी जब पहले ये बताए लेकिन हम मुस्किया उठवा चबा चबा के रे बहुत मुस्कियानी। असल में ना आप इतना हाजिर जवाब बनी कि पहला बेरी हमारे कार्यक्रम में कोई आयल बना जी हमारे बतिये लोक लेता हमार जुबान बंद करा देता। अरे तो अकेले ओकेले बतिया का क्या बात। देखो वापस रह जागे नहीं मर्द बोले ऐसा आलोक ही आया वो जी जब अगले में आवल चाह आपसे मिल के ना आज वास्तव में बहुत खुशी भइल बाटे हमरा। हम चाहता नहीं कैसे पहले कि हम के आगे बढ़ल जाओ। कल्पना जी पहले आप बता दी कि आज नंबर कितना देता नहीं आलोक कुमार जी के और का है। आलोक कुमार जी वापस पुराने ट्रैक पे मिले आज मुझे बहुत बढ़िया बहुत ही फॉर्म में वापस आप आए आंधी की तरह वापस आए आप तो मार्क्स मैं दे रही हूँ 39। बहुत अच्छा सेहरा गाया बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आपको साथ मिला और पूरी तरह से एक माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया कि वाकई वर आ रहा है साथ में पिता और पूरा परिवार सहबाला भी साथ में सब कुछ और आपने जाकर के और चार चांद लगा दिए। आज के लिए हमारी ओर से आपके लिए 33 और 39 नंबर। नंबर में बड़ा फ्लक्चुएशन बाटी और नंबर की फ्लक्चुएशन अपने आप में कई लोगों के ध्यान केंद्रित करी और हम आशा करब कि दीपा जी और लक्ष्मी जी दोनों लोग के
नंबर बहुत मायने रखत अटे, कहें कि नंबर के इतना अंतर नहीं होके के चाहत रहा, फिर भी आज रउआ के मुँह से गाड़ी सुन के जब हम चलब तो हमरा ये घमासान में विश्राम लेवे में बहुत मजा आई। हम कहब कि आप ए घमासान में अपन अपन सुर के संग्राम के शामिल कर ली और विश्राम के संगे हई गारी सुन ली। हम तो मंगली आजन बाजन, हम तो मंगली आजन बाजन, बीड़ा काहे लौले रे, अरे बीड़ा काहे लौले रे, तू कब तो हर गाड़ी ने बंदूक काहे लौले रे, तू कब तो हर गाड़ी ने बंदूक काहे लौले रे, तू कब तो हर गाड़ी में संग्राम में हाथी हाथी सोर कैला कद हो नाली आइला हो, हाथी हाथी सोर कैला कद हो नाली आइला हो, तोरा बहिन के पटका मारो इज्जत डूबैला हो, तोरा बहिन के पटका मारो इज्जत डूबैला हो, तोरा बहिन ई गाड़ी जवन लक्ष्मी जी गौली ओ गाड़ी के हम थोड़ा सा आगे बढ़ौली, ऐसनों गाड़ी गावल जाला, हमरे शब्दन पे मत जाई कहे कि एकरा से मीठा कोनो गाड़ी नहीं होला। आज जब दुल्हा के स्वागत हो गई, ओकरे बारात के स्वागत हो गई, अब समय बाटे जब होनी के दुल्हा के परिछन कइल जाई, और ओ दुल्हा के परिछन में जब आप लोग के याद हुई जब परिछन के टाइम आवेला दुआरी पर एक से एक भीड़ लगा रहेला, कोई हेने खड़ा बा, कोई होने खड़ा बा, कोई ऊपर खड़ा बा, कोई नीचे खड़ा बाटे, सब कर ध्यान लगा रहेला कि दुल्हा के परिछन होत के लोढ़ा उनके कपार पे न लगे, मूसर उनके कपार पे न लग जाए, तो एक बार ठोका जी तो अबर दुबर दुल्हा दाढ़ से नीचे आ जाए डोली में से। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए अब हम बुला रहल बनी प्रियंका के जे परिछन के गीत गई हैं, जोरदार ताली से स्वागत करें गोपालगंज के प्रियंका। प्रियंका तोहरा का लगत है आज, क्या आज तोहर विजय पत्र सुरक्षित रही? कोशिश करब कि सुरक्षित रहो, बाकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। धीरे पर छसा सूखा लग जाए कंगना, 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 पर ही छला
के गीत के बाद हम सीधे चल रहल बनी मालिनी जी के पास। प्रियंका बहुत सुंदर गाया जी, बहुत मन से गाया, बड़ा अच्छा गाया और एक खिलते हुए अंदाज में गाया, बहुत अच्छा लगा। शुरू से लेकर अंत तक गाना कसा हुआ था। आज 34 मेरी ओर से। 34। और कल्पना जी बहुत अच्छा लगा, खासकर मुझे अच्छा लगा तुमने हंसने की कोशिश की, मुझे बहुत मजा आया। लास्ट एपिसोड से मैं देख रही हूँ और टोनल क्वालिटी टू बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। मेरे तरफ से भी 34। इनकर जो वॉइस का क्वालिटी रहल, एमे दो राय ना हवे कि हमरे जैसे डांसर भी मन करी कि हम डांस करी वापस इनके गाने पे, और बड़ी प्यारी वॉइस है इनकी, हम कितनी बहुत ही निक लगल, मतलब सब करे निक लगत बा, पर इलेकी का मासूमियत शांतता और ऊपर से अब कहत बटी मुझको, हम जब से यहाँ बैठल बाटी इनके हुआ देख ली, उठ के अपने सहेली के लगे गए ली तब वो भी मुस्कुराईली नाही बिल्कुल, पर स्टेज पे जब माइक पकड़ के गावे लगली लड़की हमार तो मुस्कुरा के गईली, तो हम समझ सकेली कि इनकर मुस्कुराहट कितनी कीमती है, और जो अपने गाने के साथ इन्होंने दिया तो उसके लिए एक तालियां तो बजी गई। दीपा जी आप का कहब आज प्रियंका के बारे में? बहुत निक लागल, आपकी आवाज़ सुन के कानों को बहुत सुकून पहुँचा, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, मुझे बोलना नहीं चाहिए, सब बच्चों ने अच्छे गाए आप लोगों ने, लेकिन इनकी बहुत अच्छी लगी आज मुझे, दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, अपनी जगह पे बैठ जा, अपन विजय पत्र संभाल के रखा जा, थोड़ा से फिर मिलब और जोरदार ताली से स्वागत करी जा प्रियंका के विजय पत्र पर। संकट आयल बटे और अब हम बुला रहल बनी दोबारा, अभी तो आप लोग एक एक बार सुन लेनी जा, हमनी के बारात के स्वागत हो गई, परिचन हो गए, अब समय बाटे आलोक कुमार जी यहाँ, जोरदार ताली से स्वागत आलोक के फिर एक बार से। अभी कन्यादान के गीत गई हैं और कन्यादान के मार्फत रीमा के कन्यादान हुई उनके दुल्हा के संगे, जोरदार ताली से स्वागत करेगी। जंघिया बैठवलाए पापा अपनी हो पुतरिया, रोवेली सिया जी हो बेटी नैना ढारू रे लोरावा, ढारू रे ल।
कन्यादान के गीत के संगे हमनी के रीमा के कन्यादान पूरा भइल और अब हम चाहब कि सात फेरा चालू होई और सात फेरा से पहले अब हमनी के मालिनी जी और कल्पना जी के नंबर के रोकल जाई और सिर्फ दीपा जी के नंबर बतावल जाई कि अब एना पारी आप आलोक कुमार के कितना नंबर देव। आपने बहुत अच्छा गाया, आपके वॉइस में पैथो जो बोलते हैं जी। बहुत अच्छी थी फीलिंग्स जो जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा गाया और इसके लिए मैं आपको 37 देती हूँ। 37 लक्ष्मी जी अब आपके नंबर बतावल जाए आप आलोक कुमार के कितना नंबर देव एक गीत खातिर। जैसे हमार दीदी कहनी दीपा जी कि जोन दर्द होला जब बाप बेटी का कन्यादान पानी ग्रहण जो होला उ वक्त पे जोन दर्द होला उ बेखूबी स्टेज पे निभावले गाना के एक खातिर हमरे तरफ से 38 marks। 38 38 कल्पना जी और मालिनी जी के नंबर नहीं बतावल जी और चल के अपने जगह पर बैठा। आलोक कुमार जी के कन्यादान के गीत के बाद अब रीमा के विवाह के आगे बढ़ावल जी हमनी के, लेकिन आगे बढ़ावे से पहले आज उनका खातिर दीपा जी अगर कुछ गा देव तो और भी अच्छा रही। जरूर मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, बनो तेरा कंगना लाख कारे, बनो तेरा कंगना लाख कारे, बनो तेरी मुदरी है हजारी, बनो तेरी मुदरी है हजारी, बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, बनो तेरी अखिया सुरमे दानी। और रीमा के विवाह जारी बाटे, भोजपुरी संगीत के महासंग्राम जारी बा, रवा देखत रही सुर संग्राम। बबुआ हो बबुआ पहुना हो पहुना, बबुआ हो बबुआ पहुना हो पहू, जब तक पूरे ना हो फेरे सा। वापस आप लोग के स्वागत करतनी जब सात फेरा के जरूरत बटे और आज रीमा के सात फेरा हो अब शुरू और वो सात फेरा के गावे खातिर गीत हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के अनामिका सिंह के जोरदार ताली स्वागत करनी। हो जब तक पूरे ना हो तेरे सा, ए पहुना तब तक नहीं दुल्हन तो ना जब तक। अनामिका जी का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग। सात फेरा के गीत गावे के बाटे, सात फेरा जब ले पूरा नहीं हुई तब ले ही सात पूरा नहीं हुई, लेकिन सात फेरा के गीत तू ही गईबू, हम तो चल के सुनब खाली तोहरा के। Yeah.
सात फेरा भी पूरा हो गया रीमा के और उनकी दुल्हा के। अब हम जानना चाहते नहीं कि दीपा जी कितना नंबर दिल बनी अनामिका की। अनामिका बहुत अच्छा गाए, 35। 35 का जी रहुआ कितना देता नहीं। अजी तनी रुक जाए। अनामिका खातिर कि रौरा खातिर? नहीं नहीं, अनामिका रौरा के तो फुल मार्क हवे हमरे से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन बड़ा प्यारा गौलस, हमरी तरफ से तो 34। अनामिका के हमने के मालिनी जी, कल्पना जी के नंबर बतावल जी, लेकिन अब आप अपने सीट पर बैठी। फेरा हो गए, सिंदूरदान हो गए, अब कोहबर के बारी बाटे और कोहबर के गीत गावे खातिर बुला रहल बनी गोपालगंज के प्रियंका की। तरफ से कितना नंबर दिहल जी आज प्रियंका की? रौली दीपा जी से कहे नहीं शुरू करत बटी, इतना नीक गौलेबा हम तनी कहीं ना कहीं मतलब पूरा वापस याद करेनी, रिवाइंड टेप चालू बा हमरे दिमाग में। पहले कहे नहीं करत बाटू, बहुत सुंदर गाया एज यूजुअल, 38 मार्क्स, एक्सीलेंट सिंगर, एक्सीलेंट वॉइस। 38 और अब तो लक्ष्मी जी बोले ही के पड़ी हमकी तनी एक जगह सुर कई थी भैल का पता, मतलब हम यही खातिर इन दो सबसे डिस्कस करे लगनी। सेकंड हाफ में जब ये उठावे के थी भैल तब हुआ तनी सुर कई थी भैल जी, तब भी हम 38 देत बाटी न होके, बिकॉज ये आवाज़ इनकर कोयल जैसन कंठ और ये गाना हम ना हमके याद हवे शारदा सिन्हा जी के आवाज़ में हम सुनने हैं, सही हवे कि गलत हवे? फुललाओ मलिनिया तो वे मतलब जो आलाप वगैरह बड़ा सुंदर लगल हमके, जो नौकरे अंदर बीच में थी हवे सेम उन्ही के जैसन, और एक खातिर इनके हम 38 देख बाटे। प्रियंका चल के अपने कुर्सी पर बैठ जा, और प्रियंका के बाद अब बारी बाटे मोहन राठौर के, और मोहन राठौर जी गीत गई हैं, अब समय आ गेल बाटे माड़ो खोले के, तो मोहन जी अपने स्वर में माड़ो खोले के भाव लेके आई हैं, जोरदार ताली स्वागत करेंगे। बांधी के खोलाई समधी मांगे समधी मिया के, बांधी के खोलाई समधी मांगे
समिया के मड़ावा में भीड़ भइल भारी अबे रंगदार समधी हो मड़ावा में भीड़ भइल भारी अबे रंगदार समधी बांधी के खोलाई समधी मांगे समधि मिया के बांधी के खोलाई समधी मांगे समधि मिया के मड़ावा में भीड़ भइल भारी अब रंगदार समधि हो मड़ावा में भीड़ भइल भारी हमें रंगदार समधि से स्वागत करी मड़वा में भीड़ भइल भारी आहो रंगदार समधी और रंगदार समधी माड़ो खोली है न जाने कितने लोग माड़ो खोलात समय रंगदार समधी के तमगा पौले बाटे आज मोहन जब गौले बाटे तो हम चाहते हैं कि आदित्य नारायण के मम्मी और भोजपुरी सिनेमा के राष्ट्रीय अवार्ड विजेता दीपा जी इनके अपन नंबर बताए 39 आज का सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने दिया मैंने देखा यहाँ पे तो 39 इनको मिला है एक्सेलेंस उदित भैया के मालूम है कि आज जिंगर हुआ होता नहीं जी हाँ मालूम है सबको मैं बता के आई हूँ कि आप यहाँ पे बुलाई गई हूँ मैं सुर संग्राम में मनोज जी के साथ महुआ